दोस्तों सोचिए, अगर फाइटर जेट बिना किसी फ्यूल के सिर्फ क्लीन एयर से उड़ने लगे तो, क्योंकि आज के कॉन्वेंशनल फाइटर जेट फ्यूल के रूप में जेट फ्यूल का उपयोग करते हैं जो किरोसिन के साथ कंप्रेस्ड एयर मिलाकर जबरदस्त थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें उपयोग होने वाली फ्यूल से पर्यावरण को खतरा होने के साथ फ्यूल खत्म होते ही फाइटर जेट को नीचे आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब आपके सामने जो टेक्नोलॉजी है, इसमें फ्यूल के रूप में प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है और यह इंजन का नाम है प्लाज्मा जेट इंजन। दोस्तों, इन प्लाज्मा जेट इंजन में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए एयर को अट्रैक्ट करता हुआ प्लाज्मा पल्स से ऑपोजिट फोर्स पैदा करता है और यह थ्रस्ट एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ पुश करता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहला, अब तक ऐसा स्टील नहीं बन पाया है जो प्लाज्मा की ताकत को हैंडल कर सके। दूसरा, अब तक इतना पावरफुल बैटरी ही नहीं बना है जो इकोनॉमिकली इस इंजन को ऑपरेट कर सके। दोस्तों, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर को कॉम्पैक्ट करा जा सके तो न्यूक्लियर प्रोपल्शन और प्लाज्मा प्रोपल्शन जैसी टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी।